कसांड्रा में स्पिटमान की आवाज ने भारत में कई दिल जीते हैं, लेकिन ये 21 साल की दृष्टिहीन गायिका जर्मनी के डुइसबर्ग शहर में रहती है। सोशल मीडिया पर कास्मे नाम से मशहूर कसांड्रा हिंदी, बांग्ला, तमिल और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाने गा सकती हैं। मैंने अमेरिका में भारतीय संगीत को जानना शुरू किया। मैं 2017 में बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में थी और वहाँ एक भारतीय समूह था जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई। मैं घर लौटी और हिंदी सीखनी शुरू कर दी, हिंदी गानों से शुरुआत की, और मैंने कुछ समय बाद कई भारतीय भाषाओं में गाए गाने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने शुरू कर दिए। जर्मनी की रहने वाली कास्मे के गाने वायरल होने शुरू हो गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में अपने पॉडकास्ट मन की बात में कास्मे के भारतीय संगीत और संस्कृति से प्यार का जिक्र किया। उन्हें बिल्कुल आशा नहीं थी कि प्रधानमंत्री इन पर ध्यान देंगे। मैं चकित थी जिस तरह मोदी ने अपने पॉडकास्ट में मेरा जिक्र किया, और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये भी संभव है। एक तरह से ये चौंकाने वाली बात थी, लेकिन अच्छे अर्थों में। कास्मे बचपन से ही संगीत और वाद्ययंत्र बजाना सीख रही हैं। वो बचपन से ही दृष्टिहीन हैं, लेकिन ये अवस्था उन्हें संगीतकार बनने के उनके सपने की ओर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकी। कास्मे के इंस्टाग्राम फॉलोअर तब से कई गुना बढ़ चुके हैं जब से मोदी ने अपने पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में उनका जिक्र किया है। वो अनुमान के मुताबिक बताती हैं कि उनके 90% फॉलोअर भारत से हैं। कास्मे अपने इंस्टाग्राम पर भारतीय भाषाओं में देश के त्योहारों और राष्ट्रीय दिवसों के बारे में गाने पोस्ट करती हैं। दृष्टिहीन इंसान के तौर पर मेरे लिए इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना आसान हो रहा है। ये बात मुझे खुशी देती है। पोस्टिंग के लिए ऑडियो वीडियो एडिट करने में मुझे ज़रूर मदद चाहिए होती है, लेकिन सच कहूँ तो आप दृष्टिहीन होने के बाद भी तस्वीरें और वीडियो खुद से पोस्ट कर सकते हैं और खुद ही कमेंट और मैसेज का जवाब भी दे सकते हैं। कास्मे को तबले की आवाज से प्यार है। ये वाद्य यंत्र भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान है। वो कोलोन शहर के अपने भारतीय संगीत स्कूल में इस पर रियाज करती हैं। तो मैं शुरुआत में बहुत से भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में गई हूँ, और वहीं एक तबला वादक से मिली। वो बहुत अच्छे थे और मैं संगीत की अलग अलग लय, गति और तकनीक सब कुछ सुनने के लिए बहुत उत्साहित थी और सच में इसे सीखना चाहती थी। ऐसा था जैसे मैंने तुरंत फैसला कर लिया हो, और फिर वही तबला वादक मेरे तबला गुरु बन गए। मुझे इसके अलग अलग सुरों से प्यार है। आप इससे संगीत को थोड़ा और चटक बना सकते हैं। इसके बहुत से रास्ते हैं, और अगर आप तबला सीख लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इफ यू लर्न द तबला देयर इज नो स्टॉप। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कास्मे को आशा है कि वो जल्द ही भारत आएंगी और अपने हजारों फॉलोअर्स से मिलेंगी, जो उन्हें और ज्यादा भारतीय गाने गाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो दृष्टिहीन लोगों को अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करना चाहती हैं, वैसे ही जैसे उन्होंने भारतीय संगीत की दुनिया में ये करके दिखाया है।